इस वीडियो का कीनोट होगा एक इनफॉर्मल टर्म जिसे कहते हैं द टॉल पॉपी सिंड्रोम। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू हुई इन 1980s। डोगलास गारलैंड एक ऑथर है, बुक राइटर थे, जिन्होंने बुक लिखी थी द टॉल पॉपी सिंड्रोम, दैट मीन्स द जॉय ऑफ कटिंग अदर्स डाउन। ठीक है, वो खुशी जो दूसरों को नीचे दिखाने से मिलती है। दुनिया में हम इंसानों के लिए बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन एक खुशी ये भी है जो दूसरों को नीचे दिखाने से मिलती है, क्रिटिसिज्म, तनकीदबाजी जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को स्टूडेंट्स देख रहे हैं या वो लोग देख रहे हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन तनकीदबाजी, क्रिटिसिज्म की वजह से नहीं कर पाते हैं, या वो लोग देख रहे हैं जो उन्होंने रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया हो और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वो इस वीडियो को आखिर तक देख लें, उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, द जॉय ऑफ कटिंग अदर्स डाउन, द टॉल पॉपी सिंड्रोम, ये वो टर्म है जो हमें सिखाती है। बेसिकली इसको ऑथर ने कैसे बयान किया, पॉपी, सबसे पहले मैं बयान करूंगा, पॉपी एक किस्म का फ्लावर होता है जो बहुत सारे मुल्कों में पाया जाता है। ऑथर हमें समझाता है कि द टॉल पॉपी सिंड्रोम का फोबिया क्या है, डर क्या है। वो कहते हैं कि जब कोई बागबान बाग बनाता है, ठीक है, जब उसने बाग बनाया तो हजारों फूलों की तादाद में अगर कोई फूल ऊपर आया, सबकी लिमिट से ऊपर आ गया, टॉल बन गया, ठीक है, कामयाब हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उस फूल को कटने के डर ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर कोई विजिटर बाग विजिट करने आया, अगर उसको फूल चाहिए तो वो सबसे पहले उसी फूल को काटेगा। सेम अप्लाइज विथ आवर लाइफ्स, अगर हम में से कोई इंसान आगे बढ़ गया तो उस पर भी तनकीदबाजी का डर ज्यादा रहता है। हम इंसान अपना पैशन इसलिए खो बैठते हैं, देखो हम इंसानों में दो किस्म के डर होते हैं, एक डर होता है अनसक्सेसफुल लाइफ का, नाकामयाबी का, दूसरा डर होता है कामयाबी का, सक्सेसफुल लाइफ का। अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा, अगर मैं ऊपर आ गया तो क्या होगा, लोग तो कहेंगे ये इस लायक था ही नहीं, लोग कहेंगे ये तो ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से है, लोग कहेंगे ये तो ऑर्डिनरी जगह से है, ऐसा डर, द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल जिसे कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डर। तो इस डर को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपने पैशन को अनलॉक करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें अपने टैलेंट को बाहर लाना है। ठीक है, तो ऑथर हमें समझाता है कि कामयाबी भी एक डर है, द टॉल पॉपी सिंड्रोम, है ना, अगर ऊपर आ गए तो क्या करूँगा, फंस गया, लोग कहेंगे ये इस लायक था ही नहीं। तो इसी तरह ऑथर ने दूसरी एग्जाम्पल दी है, बोलते हैं कि जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो क्लासरूम्स में हम अपने आप को उस जगह पे बिठाते थे, उस जगह पे सेफ महसूस करते थे जहाँ पे टीचर की नज़र कम पड़ती थी। हमें ये डर लगा रहता था कि अगर टीचर ने ऊपर उठाया, बुलाया, तो इसे साइकोलॉजिस्ट ऐसे बयान करते हैं, वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट द डार्कनेस दैट मोस्ट फ्राइटेन्ड यू, दिस इज द लाइट दैट मोस्ट फ्राइटेन्ड यू। ये अंधेरा नहीं है जो तुम्हें डराता है, ये रोशनी है जो तुम्हें डराती है। तो रोशनी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंधेरा सेफ है, कंफर्ट जोन है, इसमें कंफर्ट फील करोगे, सेफ फील करोगे, लेकिन रोशनी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अपने पैशन को अनलॉक करना है, अगर अपने टैलेंट को अनलॉक करना है। लोग तो दोनों हालत में तनकीदबाजी करेंगे, अगर आप घर में बैठे रहोगे तब भी लोग कहेंगे ये कुछ नहीं करता है, अगर आप बाहर आके कुछ करोगे तब भी लोग कहेंगे ये तो देखो क्या करता है। ठीक है, तो इससे कितना अच्छा है कि अगर हम कुछ करेंगे, जब हमें तनकीदबाजी दोनों हालत में सुननी है तो इससे बेहतर है कि हम कुछ करेंगे। और इससे मुझे और एक किस्सा भी याद आता है, बोलते हैं कि जब एडिसन ने बोला था कि मैं बल्ब बनाऊंगा, उसका फ्लैमेट पूरी दुनिया को रोशन करेगा और वो हर एक की जरूरत बन जाएगी फिर आके, तो लोगों ने तब कहा था ये तो पागल है, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन जब वो कामयाब हुआ अपने मकसद में, जब वो फ्लैमेट ढूंढ पाया जिसके पीछे उसने बहुत टाइम वेस्ट किया, लगाया भी बहुत टाइम उसके पीछे लगाया, तो वो फ्लैमेट पाके जब उसने पूरी दुनिया को रोशनी दी, तब वही लोग जो पहले तनकीदबाजी करते थे, हजारों लोगों की भीड़ में एडिसन का वेट कर रहे थे कि कब आएगा कि उसका इंटरव्यू लेंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस फोबिया को, इस डर को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हेलेन केलर एक स्पीकर है, एक फेमस स्पीकर है अमेरिका की, उसने कहा कि वी ऑल आर बॉर्न गिफ्टेड बट सम पीपल नेवर ओपन देयर पैकेजेस। कुछ लोग अपने पैकेज को नहीं खोल पाते हैं, क्यों, लोगों के डर से, ओपिनियन ऑफ अदर पीपल। तो द टॉल पॉपी सिंड्रोम, द जॉय ऑफ कटिंग अदर्स डाउन, इस फोबिया को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो किसी हद तक पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।